देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। भारत में एक दिन में कोविड 19 के लगभग 43,263 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,31,39,981 हो गई है। तो वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर अब 3,93,614 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 43,263 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 338 कोरोना मरीजों की जान गई, तो वहीं 40,567 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि इसके एक दिन पहले मंगलवार को 37,875 नए केस आए थे। इस दौरान 369 लोगों की मौत भी हुई थी। केरल में कई दिनों तक रोजाना 30,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार 30 से 40,000 के बीच बने हुए हैं। वहीं बुधवार शाम को जारी आंकड़ों के अनुसार केरल में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 30,196 हो गई। राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 27,579 थी, तो वहीं मरने वालों की संख्या 181 है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 17.63% है। सक्रिय मामले 2,39,480 तक पहुँच गए हैं। तो वहीं इसके उलट देश में चल रहे टीकाकरण अभियान में अब तक 71 करोड़ से अधिक टीके की डोज लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार की शाम तक 86 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।